हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो आज एक नई मॉर्निंग, एक नया व्लॉग के साथ आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मेरा मॉर्निंग शुरू होता है मेरे थायराइड के मेडिसिन के साथ, और उसके साथ एक ग्लास गर्म पानी और एक कप चाय। नो नो, आधा कप चाय। मैं आधा कप चाय ही रोज़ पीती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज एक ही कप क्यों? क्योंकि आयंस के पापा के आज मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी है, तो वो ऑफिस चले गए। आज मुझे अकेले ही चाय पीना पड़ेगा। चाय पीने का इस टाइम को ना मैं अपने आप को देती हूँ, लगभग 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये 5 मिनट ना मैं आराम से सोफे में बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ धीरे धीरे, और न्यूज़पेपर को थोड़ा सा देख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स भी फील करती हूँ, और ना नए से काम स्टार्ट करने में, मतलब काम पे लग जाने में मुझे एनर्जी भी मिलता है। एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक ये उत्तराखंड का न्यूज़ है। एक लड़का था जो क्लास 5 में पढ़ता था, वो अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। सुबह तो खेल रहा था वो भी रस्सी लेके, और उसके मम्मी ना आँखों से थोड़ा कम दिखते हैं, और उसके पापा गए थे मार्केट। तो वो रस्सी जो जो रस्सी लेके वो खेल रहा था, वो रस्सी ना विंडो में बंधा हुआ था, और दूसरे तरफ वो रस्सी को अपने गले में लगा के कुछ खेल रहा था। तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो रस्सी उसके गले में एकदम टाइट टाइट हो गया। तो वो जब चिल्लाने लगा तो उसके भाई बहन सोचा क्या ये उसका जो खेल रहा था उसी का कोई पार्ट है। लेकिन जब उसके नोज से ना खून निकला, तब वो लोग उसके मम्मी को बुलाया। लेकिन उसके मम्मी भी आंखों में कम दिखते हैं, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाया। नाइफ वगैरह ढूंढ रहा था, उनको मिला ही नहीं कुछ। फिर जब पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी आया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। सुबह सुबह ये न्यूज़ पढ़ के ना बड़ा मन ख़राब हो गया। मन ख़राब हो या अच्छा हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा आज घी बना लेती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से हो ज़्यादा ही हो गया, यह मलाई जम गया था मेरा। तो आज आयांश भी स्कूल गया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही अच्छा दिन है, आज ही बना लेते हैं घी। आयांश को बहुत बार बुलाया मैंने उठाने का कोशिश किया स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो उठाया उठे ही नहीं। तो बच्चों का नींद भी पूरी होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको जोर नहीं किया और सोने दिया। फिर अब मैं जल्दी जल्दी ये घी बना लूँ। पंजाब में ना ये दूध और पनीर बड़ा अच्छा मिलता है। दूध में एकदम मोटा एक लेयर आता है मलाई का। दही नहीं बोलूँगी, क्योंकि दही हमारे वेस्ट बंगाल का ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मिष्टी दोई इधर तो मिलता नहीं है, इसलिए मन मन होता है तो घर पे बना लेती हूँ, लेकिन उतना अच्छा तो बनता नहीं है। मैं तो हैंड ब्लेंडर के हेल्प से ही मक्खन निकालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला और 10 मिनट ब्लेंडर चला दिया। बस 10 मिनट में ही सारे मक्खन जो है ना ऊपर आ जाता है। अभी तो आयांश भी उठ गया, 9 बजे का स्कूल है और 10 बजे वो उठा है, कैसे स्कूल जाएगा? अभी पूरा दिन बदमाशी करता रहेगा। मैं वही सोच रही थी, ब्लेंडर का आवाज़ सुन के अभी तक आयांश आया क्यों नहीं? ये देखिए आ गया। अब मेरा काम ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो काम 10 मिनट में हो जाता है, वो अभी 20 मिनट लगेगा। कृष्ण जी को मक्खन खाना पसंद था, और मेरे लड्डू गोपाल को मक्खन बनाना पसंद है। कितना हेल्प कर रहा है, ब्लेंडर को पकड़ के मेरे साथ घुमा रहा है। अभी तो मक्खन भी सारा निकल गया, ये देखिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके मक्खन लेंगे और उसका पानी अच्छे से झराएंगे, दबा दबा के उसका पानी निकालेंगे। फिर उसको एक और दूसरी जगह में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि इसी कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। मैं 1 लीटर करके दूध लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध लेती हूँ, फिर भी 1 लीटर दूध का 10 दिन का शायद ये है,
10 दिन का कितने सारा मक्खन बन गया। फिर इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया, कितने सारा घी निकल गया। लेकिन अभी ये बना नहीं, इसको थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक इसको पकाएंगे। जब तक मैं किचन में रहूँगी ना, तब तक आयांश भी किचन में ही रहेगा। ये देखिए उसका खिला कैसा खेलता है घर में। पूरा घर गाड़ी से भरा पड़ा है उसके खिलौने से, लेकिन उसको खेलना है। ये आलू लेके, प्याज लेके, बर्तन लेके, कुछ याद आ गया उसको, इसीलिए ढूंढने जा रहा है। ये देखिए इसको ये लेने गया था वो। शायद मुझे कभी देखा होगा ऐसे उठाते हुए, तो वो भी अभी कर रहा है। इधर मेरा घी भी बन गया है, ये देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और ऐसे ही थोड़ा देर रहने दूंगी, क्योंकि घी गर्म है ना, तो जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है वो भी, और गर्म घी के कारण वो भी थोड़ा सा लाल हो ही जाएगा। और इधर मैं दोपहर का और लंच का भी सब्जी काट रही हूँ। अभी हम लोग आ गए ये राजपुरा के मार्केट में। राजपुरा पंजाब का ही एक जगह है, राजपुरा, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो राजपुरा का ये मेन मार्केट है। राजपुरा एक मिनी टाउन है, ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये मतलब इसका मार्केट जो है ना, ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे हर कुछ मिल जाता है। पंजाब में जो फेमस है, जैसे हम लोगों के सलवार सूट जो है, यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और इसका जो कपड़ा अगर आप लोगे अलग से, तो उसका भी मतलब हजारों वैरायटी मिलेगा आपको हर दुकान में। बहुत सुंदर सुंदर लहंगा भी इधर बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। ये सारा कपड़े मतलब ऐसे मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल्स हैं। कपड़ा खरीदना है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इधर नहीं देखेंगे आज। आज हम लोग आए हैं मोमोज खाने के लिए, तो हम लोग चलेंगे अभी सीधे मोमोज के दुकान में। ये है वो दुकान, काकाज मोमो। इसका मोमोज मुझे राजपुरे का, जितना मैंने मोमो खाया है, सबसे अच्छा लगा मुझे इन्हीं का। तो इसके पास आप जैसे मोमो चाहोगे ऐसे मोमो मिलेगा। जैसे पनीर पनीर हो गया, वेज नॉन वेज, स्वीट कॉर्न हो गया, मतलब सब कुछ मिलता है इसके पास। फ्राइड मोमो भी मिलता है। तो और इसका मोमोज ना इतना तीखा होता है, मतलब हमारे भी मुंह जल जाता है, लेकिन मेरा बेटा इसको आराम से खा लेता है, पता है। और ये घर में अगर इसको थोड़ा सा भी तीखा दूँ ना, वो हा करके एकदम मतलब कितना नाटक करता है, लेकिन ये मोमो देखिए आराम से खा लेता है। अभी आ गए हम गणेश जी के दर्शन के लिए। हम लोग तो दर्शन कर लिया, अब घर जाना है। आजकल ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक अलग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।